अक्सर हर व्यक्ति अपनी मृत्यु और मृत्यु के उपरांत क्या होगा इसके बारे में अवश्य अपने जीवन में सोचता है कि मेरी मृत्यु कैसी होगी, मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, मैं कहां जाऊंगा। इस संसार के अंदर अपने समस्त पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर व्यक्ति को स्वर्ग और नरक इसी धरती पर भोगने पड़ते हैं। अपने पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर व्यक्ति 84 लाख योनियों के चक्र में फिर से प्रवेश कर जाता है। ये उसके कर्मों से ही निर्धारित होता है, अच्छे या बुरे कर्मों से, कि उसे दोबारा मनुष्य की योनि प्राप्त होगी या किसी पशु योनि में जाएगा। इस संसार में अपने अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है।